देखिए दोस्तों, अब ये शुरुआत हो चुकी है। कहा जाता है ना कि जेठ आषाढ़ के अंदर बैलों के द्वारा खेती, ये प्राचीन परंपरा है। पहले लोग जब ट्रैक्टर नहीं थे तो इस प्रकार लोग खेती करते थे। दोस्तों, आज हम ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी प्राचीन परंपरा बचाई हुई है। देखिए, किसान लोग आज भी बैलों के द्वारा खेती करते हैं। देखिए, हल जोत के तैयार है और अब ये खेत की जुताई करेंगे। आपको पूरा परिचय करवाते हैं कि कैसे खेती करते हैं आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार। ये देखिए, हल ठीक कर रहे हैं बाबा जी ने। हलियो ही कहवा नहीं, तैयार कर रहा हो देसूरी वाला जना भी कलर आंगो पीलो नागोरी लगभग सफेद वे आप बाबा जी गले जगो। देखिए, ये अब जोड़ी तैयार करेंगे। अब जो तो एकदम, ये देखिए आप, ये तीन साल तो है, मतलब आग लार की कर चलाया करो, मतलब एक लैंड चलता रहे अंतर बजाई, तो मतलब क्या ये आग लार बहना हो रहा पे गया, तो मतलब आगे बीच में जगह नहीं छोड़े, बीच में जगह नहीं रहे। कितना घंटा चलाया करो बैलन? सुबह से या एक दिन में कितना खेत जोत दो आप? चार बीघा या साढ़े तीन बीघा सब मिलन एक जोड़ी है, तो 20 बीघा जमीन, मतलब आप सब जगह जाओ तो साथ में जाओ, साथ में जाओ कितना, मतलब यहाँ दोस्ती है, प्रेम भाव दोस्ती है। ये 4000 भाड़ो है, हाँ जिनको, हाँ जो मेहंदी में, हाँ है, मिलने जाओ, अलग अलग जाओ, अलग ही जाओ, मिलने जाओ। अब एक जनों 4000 ले, एक जोड़ी के 4000 एक बेल वाला जब जोड़ी है आप रगड़े, 4000 कमान सौ में घर जाओ, इन मतलब अलग अलग 4 जोड़ी वाला 4000 रुपये ले जाए। कितना साल वहाँ आपको काम कर रहे हो? काम तो कर रही अपने, हमें यहाँ तो मीना की सीजन है, हाँ मीना की सीजन, बाकी सीजन में बैठ रहे बेल मौज करें, बेल मौज करें, सारा खावे मौज करें। और मतलब बाजरी ने भी बोया करो ला? बाजरी बाव, तिल्ली बाव, गवार बाव, हैंग बाव, हैंग बाव। आज भी मतलब प्राचीन परंपरा बचुड़ी हवा को नहीं, पुराना जमाने का लोग तो गीत गावतार, तेजो गावतार है, हड़ खड़ता जकी चीज आज भी अटे बेरी है। आपने कितनी उम्र आ गई? 60 वर्ष। और 60 वर्षों में देखता आ रहा हो, बैल रखो आप। तो दोस्तों देखिए, ये मेहंदी के खेत है और ये देखिए आप, बैलों की जोड़ी आगे पीछे चल रही है। हम आपको पूरा दृश्य इसी वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि भाई पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। आप ये वीडियो देख रहे हैं सोजतपाली से, यहाँ की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है, मतलब विश्व भर में जहाँ मेहंदी आप देखते हो वहाँ के ये बागान है। बारिश का मौसम शुरू होते ही ये लोग यहाँ पर खेती करने शुरू कर दिए। युवा पीढ़ी ने मतलब यहाँ शौक है क्या, दौरा लागे हैं यहाँ क्या, मतलब बूढ़िया ने तो कहता घना शौक हो, आज भी शौक ही है, तो मतलब यहाँ थे खेत जो तो जना यहाँ हैंग दोस्त हाथ तो जना एक आनंद को, मतलब यहाँ आनंद लागे कौन घरे भी खेती करो, मतलब मूंग मोट बाजरा सब ट्रैक्टर यूज नहीं लो की मतलब बलदांग जोड़ी है जड़ दो ट्रैक्टरों कहीं कराए। देखिए दोस्तों आप, ये परंपरा मतलब अब बहुत कम बची है, लोग इन्हें कम यूज कर, आजकल लगभग ट्रैक्टर यूज, दिमाग को पैसा कमाने लग जाएगा, हाँ मेहनत करता है, हाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा है, हार्ड वर्किंग है, हाँ तो ये तो हार्ड वर्किंग होता है, पूरे दिन पैदल चलना पड़े अपने भी पूरा दिन, हाँ।
युवा पीढ़ी चाहे के एडो काम करना है, युवा पीढ़ी तो नहीं चाहे, कम चाहे कौन, कम चाहे, फिर भी ये युवा कोशिश में है। कोनी कोने तो पहला लोग मतलब तेजो गाव था जो हमें थे भी गाओ के हमें नहीं गई जे बुढ़ा पो आई गो पहला तो यहाँ 20-25 बड़दांग जोड़ी हूँ लोग गाव तार कटिंग करता नहीं हाँ जाने गाव जाते हाँ आज भी कटिंग कर रहे हैं गावे हाँ हाँ कसरत करने के वास्ते जिम में जाने का काम है जिम में नहीं जाना पड़े आप मतलब आप पूरी बॉडी जिम बनोड़ी है ये जिम का काम ही कार्य करता शरीर के लिए मतलब पूरे दिन यहाँ पैदल चलो जन जिम जो ही लगे आपने और वजन कम पड़ गई 5 किलो 5 किलो चलो खड़ा जाए हम की तो वजन है 82 किलो जिन्हें 5 किलो माइनस करना पड़ी 5 किलो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक है देसी जिम देसी खान पान देसी जिम एक अलग ही है पुराना जमाना के लोग देसी खाता और देसी वो कहनी पूरा जीवन ही देसी हो देसी बात है देसी खाता हाँ अब तो है सब विदेशी है विदेशी है अब तो कहीं एक ट्रैक्टर हूँ बोवे और ट्रैक्टर बोवे दवाई पैदा है हाँ हमारे उसने दवाई नहीं थी कागो भरती हाँ देसी में तो देसी कागो बाबा गर्मी घनी को है नहीं गर्मी फुल है या। पर क्या करे मजबूरी करनी पड़ती है तो थे बच्चों ड्राइवरिंग ही कहीं को नहीं क्या तो बच्चा नहीं ही का वो थार तक सीमित राखो या बेल खड़ना ही पड़े भाई हाँ जमीन माटी वाली है या यहीं जमीन काली माटी है काली माटी है मेहंदी या अटटे सोजत में वे एक बार और भी कहती है पूरी सोजत में है लगभग यहाँ की प्रसिद्ध है यहाँ तो हमें छोड़ जोधपुर तक मेहंदी गीपरी पर कम जाते ज्यादा कम कोई गाँव भी हो मेरा कोई नहीं